उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा। शायद अपने आंसू छुपा रहा था, कुछ सीख के गया। मोए 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 मोए। सूत्रों से सुनने में आया हार्दिक भाई ने बीसीसीआई को कॉल करके कहा, शिवम दुबे की इनिंग्स देखने के बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, इंजरी महसूस ही नहीं हो रही, सो आई एम रेडी टू प्ले। अब तो मैंने एक एक्स्ट्रा टांग भी लगवा ली है, इमरजेंसी में कभी काम आएगी। बस हवा निकल गई। दुबे जी, वैसे आप जब बॉल को मारते हो तो क्या सोच के मारते हो? 6 रन बनाने ये सोच के, या फिर बॉल को 2 हिस्सों में फाड़ दूंगा ये सोच के? जितने लंबे लंबे सिक्सेस मारे हैं ना भाई ने, एक तो हार्दिक भाई के बेडरूम पर भी निशाना लगाया ही होगा। वैसे मोए मोए तो मेरे गिल्लू भाई के साथ भी हो गया। रोहित भाई, आज आपको पक्का रनआउट नहीं कराऊंगा, दोनों भाई रज के पार्टनरशिप करेंगे आज। वो तो तू करा भी नहीं पाएगा आज। क्यों रोहित भाई? क्योंकि तुझे तरबूजा स्पैज़म हुआ है यार, तू प्लेइंग 11 में नहीं खेलेगा यार। तरबूजा स्पैज़म, अभी क्या बोलू यार। तो साला होना ही था, सबको पता था गिल्लू भाई भारी होने वाले हैं, बट सब लोग ये वेट कर रहे थे कि देखना चाह रहे थे कौन सा स्पैज़म हुआ इनको। ये तो रनआउट स्पैज़म के चलते बाहर हो गए। कौन बोला? मैं नहीं बोला। क्या हुआ रोहित भाई, मैं तो प्लेइंग 11 में नहीं था, ये वाला मैच आप भी नहीं खेले क्या? क्या ना, एक्चुअली सेकंड आवर से मैंने मैच देखना स्टार्ट किया था, तो जायसवाल और कोहली भाई ओपनिंग करते हुए दिखे। रोहित भाई को ओपनिंग पर ना देखते हुए मुझे तो चिंता होने लगी उनकी। सारा ने हमें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया, हमने भी गुस्से में उसे अनफॉलो करके डीएम कर दिया, शुक्रा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। उसका वॉइस नोट आ गया, पहले प्लेइंग 11 में जगह बना ले फिर इंतकाम लेना। अरे रोहित भाई ने गजब बेइज्जती करा रखी हमारी। और अगर ये सोर राइट ग्रोइन के बाद अगर प्लेयर ऐसा परफॉर्म देता ना, तो हे भगवान हमें भी हो जाए यही, जो भी है सोर राइट ग्रोइंग। एक सेकंड, रोहित भाई का ही कॉल आ रहा है। हाँ रोहित भाई, आए बैगन, अजीब आदमी है, फोन करके बोल रहे हैं, अभी क्या बोलूं यार। सबसे फनी चीज हुई इस मैच में जो जायसवाल भाई ने रनआउट किया, मतलब भाई ने पूरी मैराथन भाग ली बैट्समैन के साथ साथ में कि चल देखते कौन पहले पहुंचता स्टंप्स तक। कोहली भाई उधर हंस हंस के लोटपोट हो गए, रोहित भाई इधर गुस्सा कर रहे हैं कि भाई साहब क्या बकचोदी चल रही है, ओलंपिक की रेस चल रही है, क्रिकेट का मैच। ये वीडियो तुम टेलीग्राम पर देख सकते हो, कैसे मुंह दबा दबा के हंसे हैं कोहली भाई। रिंकू सिंह को छेड़ता है, घना नॉटी हो रहा के, रुक जा तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लॉर्ड रिंकू सिंह को छेड़ोगे तो यही होगा ना गुरबाज भाई, देश के लाडले हैं वो। चीकू भैया ने इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हाइलाइट्स दिखा दी और हैरिस रॉफ की घर बैठे बैठे फाड़ दी। एग्जैक्ट शॉट मारा नवीन उलक को जो हैरिस रॉफ को मारा था एक टाइम पे, वो तो 6 था, इस बार ये 4 हो गया। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का विराट भाई को ही हो रहा था, 4 हो या 6 हो तारे जरूर दिखा दिए हैरिस रॉफ को फिर से। कोहली भाई, नवीन उलक को विकेट नहीं देना था यार, अब वो हरामी फिर से मैंगो की ट्रे लेके बैठ जाएगा, विराट कोहली विकेट लिख देगा इंस्टाग्राम बायो में, बिना पैराशूट के स्काई डाइविंग करने लग जाएगा। चीकू भैया वैसे थे तो फुल इरादे में नवीन उलक को पेलने के, ऊपर ऊपर से माफ जरूर कर दिया पर अंदर ही अंदर वो आग दिख रही थी। आउट होने से पहले 2-3 बाउंड्रीज तो चिपकाई दी थी इसमें। जैसे ही विराट भाई का विकेट लिया, गंभीर भाई के 36 मिस कॉल आ गए, कहते शाबाश मुन्ना, अगले आईपीएल में जवाब देने के लिए तुमने अच्छा बंदोबस्त कर दिया। हमने बोला लड़ते आप दोनों, पहले हम जाते हैं भारत की जनता से, हमें नहीं खेलना ये खेल। यार इंदौर में जब भी मैच होता है ना मजे बड़े आते हैं। नन्ना सा ग्राउंड था, मुजीब भाई ने भी अपने बैटिंग के शौक पूरे कर लिए, 2-3 छक्के मार के। यूजी भाई देखने लगे मैच की, यार मैं होता तो मैं भी मारता यार। 10 छक्के अफगानिस्तान की टीम ने मारे, 10 छक्के इंडिया की टीम ने मारे, बराबर। नो चीटिंग। तो फिर चलो मीम्स देख लेते इस मैच के। हार्दिक टेंशन ना ले, मैंने तुझे साफ कर दिया है, माफ नहीं किया साफ किया है। और रोहित भाई तो लास्ट तक डेथ ओवर्स में भी शिवम दुबे को बॉलिंग दे रहे थे कि भाई विकेट्स लेके काम खत्म ही कर देते हैं, पैर चलाऊं झाड़ पर रन बनाऊं रात भर। मैंने तो भाई आईपीएल के टाइम से बोल दिया था इस बंदे को यार प्लीज T20 में रख लो, एटलीस्ट जितने भी रन बनाए ना बनाए उससे मतलब नहीं है, पर जो पावर है ना भाई वेस्ट इंडीज वाले जो हमको दिखाते हैं सेम वही, वीक टीम के अगेंस्ट रन स्कोर करके क्या मिलेगा सर, अभी क्या बोलूं यार, अभी क्या रन बनाने का यार। मी वॉचिंग दुबे बैटिंग एट 4। इस मीम में जो मी है वो एक्चुअली मी हार्दिक पांड्या ही है, बेचारे वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे कहीं पे, एकदम से शिवम दुबे की पूरी बैटिंग देखना पड़ गई बॉल बाय बॉल। रोहित शर्मा 0 चेक कर लो सर, भाई साहब इंटरनेट पर इतना बवाल मचा दिया इस चीज को लेके, एक बार तो 0 पे आउट हुए मतलब अपनी गलती से, पिछली बार तो रन आउट हो गए थे, चिल मारो यार, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या ही कर दिया, बड़ा प्लेयर होने का बड़ा झंझट है बाबा, 3-4 इनिंग्स फेल हो गए तो खत्म खेल, पागल हो जाते हैं लोग। बैटिंग तेरी अच्छी है तो बस बॉलिंग पर ध्यान दे, उस हार्दिक पांड्या को टीम
टीम से निकालने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे। सारे मीम्स इसी के अराउंड बने हुए हैं कल के। जीरो पर आउट इसलिए होता हूँ ताकि दुबे को अच्छा खेलने का चांस मिले और हार्दिक के जी पर लात देकर उसका बाहर निकाल सकूं। भाई मजाक से हटके कभी शिवम दुबे हार्दिक पांड्या दोनों खेलने लगे साथ में ना एक ही टीम में, मजा आ जाएगा यार। सिलेक्शन कमिटी ध्यान दो यार, रोहित इन दोनों के रिप्लेसमेंट ढूंढ कर जीटी वालों से बदला ले लूंगा। रोहित भाई ने एक ही मैच में सबको उनकी औकात दिखा दी। तू अनफिट है मुझे पता नहीं है लेकिन तू है। गिल्लू भाई मोए मोए। हार्दिक पांड्या डरने से क्या फायदा, एक ना एक दिन सबको रिटायरमेंट लेना है। हार्दिक भाई का करियर ग्राफ, इंजरी IPL विनर, वर्ल्ड कप इंजरी रिटायरमेंट। बॉब्जी द किंग अब अपने प्यार के लिए करेगा। बॉब्जी द किंग भाई दो मैच से 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। मेरे को तो दो तीन थपेड़े मारने पड़े खुद को ये डाइजेस्ट कराने के लिए। इस बेचारे पे कभी कभी दया भी आती है यार, पाकिस्तान से अकेला ही खेलता है और गाली भी सबसे ज्यादा यही खाता है। कोच यू नीड टू हैव गुड फुटवर्क एंड टेक्निक। शिवम दुबे कुछ बोला सर आपने? शिवम दुबे ने भाई क्रिकेट कोचिंग का पूरा ना वो चेंज करके रख दिया कि कोई जरूरत नहीं है, बस तुम में जान होना चाहिए। बहुत शोर आ रहा है इंदौर, आऊं क्या यार? देखो ऐसे तो मैं मारा पीटी में विश्वास नहीं करता हूँ, पर इसको मैं पीट दूंगा यार, पैट कमिंस के बच्चे को। योर फेस व्हेन शिवम दुबे इज लेफ्ट हैंडर ऑलराउंडर एंड T20 वर्ल्ड कप इज ऑल्सो कमिंग। मैं तो चाह रहा हूँ भाई दो तीन ऑलराउंडर रख लो, दुबे जी इज मस्ट। थैंक यू हार्दिक पांड्या, ये ऐसे कंधे पर उठाना, वैसे हार्दिक भाई कोई उठा सकते तो शिवम दुबे जैसा हटता चौड़ा आदमी ना भाई JCB उठा के ले जा सकती है। आर्या भट्ट शर्मा मैथमेटिशियन बनेंगे, तय है तो तय। शादी में खाने के समय जब ड्रोन आ जाए हम तो भाई खाने पे फोकस करते हैं, ड्रोन व्रोन उड़ता रहे अपना। शिवम एंड यशस्वी जायसवाल टू ईच अदर, भाई मेरा शिकार, भाई मेरा शिकार। भाई ऐसे कुत्तों की तरह पीछे पड़ गए थे ना रन के, इधर से ये मार रहे इधर से ये मार रहे और इतनी चालाकी से रन बनाए। 5 बॉल पे तो बैट घुमा रहे थे, लास्ट बॉल पे सिंगल के सारे रन्स मैच बनाएगा। घमंड है दर्शकों को फील्डर बनाने का। कौन से दर्शक दुबे भाई, वो जो स्टेडियम के बाहर खड़े थे उनको बॉल फाड़ दी मार मार के आपने। लाइफ सो फार मी इन स्कूल मी इन कॉलेज मी इन ऑफिस। विराट भाई और रोहित मीम्स की कमी नहीं होने देंगे, ऐसे ऐसे फेसेस बनाते हैं कि तुम भाई 7 जन्मों तक मीम्स बना लो। हमको टुकुर टुकुर खेलना नहीं आता, यार ये बात एकदम सही है। यशस्वी जायसवाल जिस हिसाब से आता है ना T20 के लिए बेस्ट ऑलराउंडर बन गया भाई, अगर रन बनाए तो ठीक, वरना फिर विराट भाई आ जाते हैं तो विराट और रोहित भाई खेलते रहेंगे। पर रोहित भाई अभी थोड़ा खेलने के मूड में कम लग रहे हैं, वर्ल्ड कप आएगा तब शायद अंदर से परफॉर्मेंस बाहर आएगी। शिवम दुबे हार्दिक पांड्या क्यों मेरे ऑलराउंडर पोजीशन के पीछे पड़ा भाई? जो कोहली जी रोहित भैया को अपने सिक्सेस से इंप्रेस कर दे वो शिवम दुबे भाई साहब। रोहित भाई के सामने सिक्सेस लग रहे, रोहित भाई ऐसे देख रहे हैं हमसे बड़ा भी शैतान कौन आ गया। तो बस यार आज के वीडियो के लिए इतना है, बाकी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और तुमको और तने 100 डालोगे तब भी आ जाएगा। ज्वाइन करके रख लेना, क्रिकेट के ढेर सारे मीम्स आते रहेंगे, मौज करते।